इसके अंदर ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 49 में पहला क्वेश्चन है जो हमने किया नहीं हुआ और इसकी थ्योरी भी की नहीं हुई, तो इसलिए करवा रहा हूं। द ग्राफ शोन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल टी फॉर डिफरेंट मासेस कैपिटल एम placed in a scale pan on the lower end of the spring balance, the most likely reason for the line not passing through origin is what? मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन को भी समझ ना पाता कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। एक पैन है, स्प्रिंग बैलेंस है और मास है, और कह रहे जी ये टाइम पीरियड है, ये मास है, इसका जो है ग्राफ प्लॉट कर दिया। वो इसलिए मुझे समझ में ना आता क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला नहीं करवाया, या ऐसा बोलते हैं कि वो फॉर्मूला आने वाला है एक और चैप्टर में और जिसका नाम है SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें ये कराया जाता है कि अगर आपके पास कोई एक स्प्रिंग है और नीचे एक ब्लॉक है और स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ये रेस्ट पे है, अगर आप इसे हल्का सा डिस्प्लेस करें और छोड़ दें तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा, फिर ये ब्लॉक यहीं पर आएगा, फिर ये इसे कंप्रेस करेगा और फिर ये वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे, एक बार नीचे ऊपर ऊपर नीचे। इसे बोलते हैं कि इस मास का एक टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड का मतलब कि जहां से स्टार्ट हुआ एक चक्कर काट के वहीं पर वापस आ जाना, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अगर कोई मास नीचे से ऊपर से ऊपर से नीचे आता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड हो गया। और स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला ये होता है, इसे नोट कर लें फॉर्मूला बुकलेट में। स्प्रिंग मास सिस्टम में एक चक्कर जब पूरा होगा उसका टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला नोट करें फॉर्मूला बुकलेट में। टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एम बाय के, टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एम बाय के। एम का मतलब मास ऑफ ब्लॉक, के का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का मास नहीं लिया जाता, इस क्वेश्चन में स्प्रिंग का मास निग्लेक्टेड है, नहीं लेना, मासलेस स्प्रिंग है। तो यहां तक क्लियर है? तो ये आपके पास ये स्प्रिंग मास सिस्टम का फॉर्मूला है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मास है और स्प्रिंग है और मैं अगर ये पूछूं कि टाइम पीरियड का स्क्वायर और मास का ग्राफ प्लॉट करो, तो इसको स्क्वेयरिंग कर लेना, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4π स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय के आ जाएगा। तो अगर मैं वाई एक्सिस में टी स्क्वायर लूं, एक्स एक्सिस में मैं इसमें मास लूं, एक्स में मास लूं, वाई एक्सिस में इसमें मैं टी स्क्वायर लूं, तो वाई प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एक्स आएगा। तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, है ना। अगर मैं टी स्क्वायर और मास की बात करूं तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू मास है, टी स्क्वायर वाई एक्सिस है, एम इसमें एक्स एक्सिस है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू मास का मतलब ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन कहता है कि मेरा ग्राफ जब मैंने प्लॉट किया इसमें ये ओरिजिन से पास ही नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन तो आया पर ओरिजिन से पास नहीं हुआ, ऐसा क्यों, क्या हो सकता है इसका रीजन, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अब समझ में आया कि अगर मैं स्प्रिंग और मास सिस्टम लूं और स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसा लूं, स्प्रिंग बैलेंस ऐसे लूं, ये स्प्रिंग है, ये मान लो ट्रे है और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, मैंने अभी केस दिया था लटकाने वाला मास, वो बांध दिया था स्प्रिंग से, ये ट्रे के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर मास क्या पड़ा हुआ है, एम, और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, तो इसका टाइम पीरियड ऊपर नीचे नीचे ऊपर का क्या होगा, 2π अंडर रूट ऑफ कितना, एम डिवाइडेड बाय के, यही होगा ना, टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाय के होगा, चाहे ऐसे नीचे मास रख लो चाहे ऊपर रख लो, एक ही बात है। लेकिन अगर इमेजिन करो मैं इसमें इस पैन का मास भी लूं, जिस पैन में रखा गया उसका मास भी लूं, तो मेरा नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बस एम की जगह क्या प्लेस करना पड़ेगा, एम नॉट, तो एम प्लस एम नॉट, कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं पैन का मास ना लूं तो ब्लॉक का मास आएगा, अगर पैन का मास भी लूं तो एम भी आएगा, एम नॉट भी आएगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा है, अगर मास ऑफ पैन लिया जाएगा तो टाइम पीरियड आएगा, और अगर ये आएगा और मैं ग्राफ प्लॉट करूं स्क्वेयरिंग करके टी स्क्वायर और 4π स्क्वायर इसके बीच में, 4π स्क्वायर बाय के जो है इसको यहां ले आऊं 4π स्क्वायर को, तो एम बाय के, एम नॉट बाय के, तो वाई एक्सिस में क्या है, टी स्क्वायर, एक्स एक्सिस में क्या है, एम, और ये क्या है, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट समझते हो, इंटरसेप्ट का मतलब अगर x एक्सिस जीरो हो जाता है तो भी ग्राफ में y की कुछ तो वैल्यू रहेगी, तो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। मेडिकल के लिए क्वेश्चन नहीं है वैसे,
नॉन मेडिकल अगर समझ में आ रहा है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन है तो ग्राफ में इंटरसेप्ट बनेगा, इसका मतलब आंसर क्या है, मास ऑफ द पैन वॉज नॉट निगलेक्टेड। अगर मास ऑफ द पैन नहीं लेना तो स्टेट ओरिजिन से पास करेगा ग्राफ, और अगर पैन लेना है, पैन का मास लेना है तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ठीक, तो ये जो है एक एक्सेप्शनल सा क्वेश्चन है जो नॉर्मल इलास्टिसिटी से साथ मेल नहीं खाता, पर क्योंकि डला हुआ है ऑब्जेक्टिव बुक्स में भी डला हुआ है तो मैंने बता दिया इसको कैसे आंसर देना है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम कर लिया था, मिड पॉइंट पे स्ट्रेस निकाल दो, स्ट्रिंग का वेट आधा लेना है, एम वन जी प्लस एम टू जी अपॉन एरिया, ये कर लिया था। हमने सीरीज का क्वेश्चन कर लिया, स्ट्रिंग इन सीरीज का, हमने फोर्थ क्वेश्चन नहीं किया। एक बार पढ़ना प्लीज फोर्थ क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म रॉड जिसकी लेंथ क्या है एल और मास नहीं, मास पर यूनिट लेंथ क्या है लैम्डा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ए, इलोंगेशन रॉड की कितनी है डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है स्मॉल एल, एंड ड्यू टू इट्स ओन वेट अपने ही वेट की वजह से वो रॉड एक्सपैंड हो गई, अपने ही वेट की वजह से वो रॉड एक्सपैंड हो गई। हमने लास्ट टाइम किया था अगर अंडर ओन वेट आ जाए तो यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन एरिया स्ट्रेस डेल्टा एल बाय एल बाय टू लेते हैं, क्योंकि ऐसे केस में मास कहां पड़ा होता है सेंटर ऑफ मास पे, तो एल बाय टू, तो ये टर्म आ गई। अब आपको इस क्वेश्चन में मास तो गिवन नहीं, आपको मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, तो आप एक काम करें मास की जगह टू को नीचे ले आए, मास की जगह लिखें मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ ऑफ द रॉड अगर एल है और मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है तो लैम्डा इंटू एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं मास M, तो यहां से सॉल्व करके आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ऑप्शन कैसे मार्क करने हैं इसमें। यहां तक तो हमने लास्ट टाइम किया ही था, सिंपलीफाई करके ये किया था, मास क्या चीज है, मास इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, मास आ जाएगा। ठीक है यहां तक, तो ये टर्म आ गई। नेक्स्ट हमने किया हुआ है, ये हमने किया हुआ है, ये भी हमने किया हुआ है, और ये क्वेश्चन हमने करने हैं, लेकिन एक टॉपिक करना पड़ेगा बल्क मॉडल्स तब करेंगे।